हेलो स्टूडेंट, जेईई मेंस शिफ्ट वन का पेपर मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैंने आपको ऑल द बेस्ट सेशन में बोला था कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप जरूर भेजिएगा। जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं ऑब्वियसली स्टूडेंट ने भी मेमोरी से ही भेजे हैं और वही क्वेश्चन मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है कहीं पे मतलब डेटा में कुछ इनकरेक्शन हो या लैंग्वेज में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने पेपर दिया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को क्लिक कर लेंगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया था और इसका सॉल्यूशन का तरीका ये। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसा मैंने ऑल द बेस्ट मैसेज में बोला था, अगर आप में से किसी ने आज ये सॉल्यूशन देख रहा और वो मैसेज नहीं सुना तो एक बार जरूर सुनिएगा। मैंने कहा था कि जेईई का पेपर कभी टफ नहीं आता, कंसेप्चुअल आता है और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें मीडियम लेवल पे टाइम लगे, 5 से 10 टफ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। करीब करीब 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कम टाइम में कर सकते थे, 10 क्वेश्चन थोड़ा टाइम ले रहे थे और 10 और ज्यादा टाइम ले रहे थे, पर पेपर मैनेजेबल था। और इस पेपर में 25 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो अटेम्प्ट किए जा सकते थे। मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगा, पेपर डिस्कशन से आपको कई चीजें क्लियर होंगी। और अगर आप लोग ये सेशन देख रहे हैं और अभी जेईई की अगली शिफ्ट के पेपर जैसे 8 और 9 के अगर आपके बचे हैं तो ये पेपर का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। कंसेप्ट बना के पेपर सॉल्व करिए। देखिए, जो चीजें मैंने पढ़ाई थी ये सब चीजें कहीं ना कहीं कवर हुई थी और अगर आपने ऑनलाइन से अच्छे से पढ़ाई की होगी तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि बहुत अच्छा पेपर गया होगा आपका। अब जैसे देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, द सिक्स डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 5, 7, 9 सच दैट ईच डिजिट इज यूज एटलीस्ट 1। कितना अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है कि 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, और इन डिजिट को लेके बनाना है किसको, 1, 2, 5, 7 और 9 को। अब डिजिट 5 दिए हैं, बनाना 6 डिजिट का, और एक कंडीशन और लगी कि हर डिजिट को कम से कम एक बार यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप 2, 2, 2, 2 और 5, 5 को ले लें, मतलब हर एक एक डिजिट पे ये होना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक एक बार ये होगी तो 5 तो यही हो गए, एक प्लेस बचेगा। अब ये एक प्लेस इसमें से कोई भी एक डिजिट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी, 9 नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले 5 में से एक डिजिट ले लें तो 5 प्लेस हुए। अब हमारे पास टोटल 6 डिजिट हो गए, कौन कौन से, लाइक 1, 2, 5, 7 और 9, और सपोज इसका निकला हुआ डिजिट 2 है या सपोज इसका निकला हुआ डिजिट 7 है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 2 है, तो इस 6 डिजिट के नंबर बनाने का तरीका हमने क्या सीखा था, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और जो डिजिट रिपीट हो रहा हो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड कर दो, यानी ये डिवाइड कर दिया, ये कितना हुआ 360। पर ये एक केस के साथ हुआ, ऐसे 5 केस होंगे तो 5 × 360 मीन्स 1800 इज अ राइट आंसर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। समझने वाली चीज थी कि एटलीस्ट 1 लिख के आपका कंफ्यूजन खत्म कर दिया, ये इसका कीवर्ड था। कई लोग इसी से कंफ्यूज हो सकते थे, मतलब हर एक डिजिट को कम से कम एक बार यूज करना था, 2 बार भी कर सकते थे, 3 बार भी, बट वो जब कर सकते थे जब मान लीजिए 7 डिजिट होता, 8 डिजिट होता, यहां पर 6 डिजिट है और 5 ये है, तो इनको तो एक एक बार लेना ही है, इसके अलावा एक डिजिट और लेना है। तो क्या किया आपने, 5 में से एक डिजिट निकाला, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3, 5 भी, 7 भी, 9 भी, और इन 5 को लेके 6 डिजिट का फॉर्मेशन करा, यानी सिंपल बोल सकते हैं 5C1 6 डिजिट थे, 2 रिपीट हो रहे थे, डिवाइडेड बाय 2, देन 1800 इज अ राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन और समझिएगा। मैं आपके साथ जो क्वेश्चन आए वो डिस्कस करूंगा और जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगा, शिफ्ट 1 का, 2 का और आगे आने वाले पेपर्स भी, और बाद में जब पूरा पेपर एक्चुअल में भी हमारे पास आ जाएगा जब भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें और हो सकता है एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन में कुछ डेटा में वेरिएशन हो। नोट करिए क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ई पावर एक्स एंड एफ नॉट इक्वल टू 0 देन एफ 1, यानी आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। क्वेश्चन ध्यान से देखें तो क्या दिया है, डायरेक्टली ई पावर वाई को मैं अगर ट्रांसफर कर दूं तो ई पावर एक्स माइनस वाई, याद करिए डिफरेंशियल इक्वेशन में एक हमने फॉर्म पढ़ी थी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वाई एक साथ दिए हो तो क्या करते हैं, ये वाली फॉर्म है। सीधा सीधा एक्स माइनस वाई को अगर मैं टी ले लू तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी
यस और नो। इसका मतलब डी बाय बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई वन माइनस, अच्छा यहां माइनस वन भी था, ओके डी बाय बाय डी एक्स माइनस वन बचा होगा। तो अब डी बाय बाई डी एक्स की वैल्यू रखी मैंने वन माइनस, देखिए इसको इधर लाएंगे तो वन माइनस डी टी बाय डी एक्स और ये माइनस वन पहले का इक्वल टू ई पावर टी, तो एक तरह से कैंसिल। तो ऐसा भी बोल सकते हैं डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ई पावर टी, या ऐसा लिख सकते हैं ई पावर माइनस टी माइनस के साथ डी टी इक्वल टू डी एक्स, राइट। सॉल्व किया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक तरह से आपको मिल गया ई पावर माइनस टी इक्वल टू एक्स प्लस टी, राइट। अब टी तो कुछ था नहीं, तो ई पावर एक्स माइनस वाई, तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि यहां माइनस था, वाई माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखिए एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई भी जीरो दिया है, तो एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो रख दिया, तो ये कितना हो गया e पावर जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, यानी c का वैल्यू आ गया वन। अब c का वैल्यू अगर वन आ गया तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया e पावर y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, राइट। अब आपको f1 पूछा है, f1 का मतलब है x इक्वल टू वन पर y क्या है, तो x की जगह हम वन रख देते हैं, तो e पावर y माइनस वन इक्वल टू वन प्लस वन टू, लॉग ले लीजिए तो y माइनस वन इक्वल टू लॉग टू, देयरफॉर y इक्वल टू वन प्लस लॉग टू, या आपको देखना ऐसा ऑप्शन लिखा मिला होगा वन प्लस एल एन टू। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, वेरिएबल सेपरेबल पे बेस्ड था, क्या था एक बार समझ लीजिए, e पावर y डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू e पावर x था, e पावर x को आपने ट्रांसफर किया, तो वो सॉरी e पावर y को, तो e पावर x माइनस y डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन, और x माइनस वाई को आपने t माना हुआ है, और अगर x माइनस वाई को t माना तो यहां से डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद ये इक्वेशन आई जिसमें आपने t के फंक्शन को t के साथ लिख लिया, x के फंक्शन को x के साथ सॉल्व कर लिया। देखिए कितना अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, यानी पहले हमेशा कभी भी पेपर देखें, देखिए अगर आप में से किसी का सपोज नेक्स्ट स्टेप में पेपर है तो ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन का सिलेक्शन अगर सही होगा तो अटेम्प्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। नोट करिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है, इफ डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्सिस सिक्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मीन्स टू ए इक्वल टू सिक्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स मतलब टू ए बाई इक्वल टू ट्वेल्व, देन द लेंथ ऑफ लैटरसेक्टम, यानी आपसे एल एल डैश बोला है जो कि होता है टू बी स्क्वायर अपॉन ए, बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब 2a इक्वल टू है 6, तो चाहे तो हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम यहां से चाहें तो a इक्वल टू 3, यानी e इक्वल टू 3 बाय a, राइट, e इक्वल टू 3 बाय a, तो 2a अपॉन 3 बाय a इक्वल टू 12, ये कैंसिल 6 टाइम्स, तो a स्क्वायर इक्वल टू 18, a स्क्वायर इक्वल टू 18, और b स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, या बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ए डायरेक्ट है तो डायरेक्ट रखेंगे, ए की ए स्क्वायर की वैल्यू 18 माइनस ए का स्क्वायर यानी 9, तो बी स्क्वायर 9 आया, राइट, बी स्क्वायर 9 आया, तो अब आपको पता है क्या आंसर होगा, 2 बी स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन ए मतलब 3√2, ये 3 टाइम कैंसिल, तो आपको आंसर मिल गया 3√2, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बोला है तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज 3√2। देखिए सिंपल से कंसेप्ट पे बेस्ड था, 2a इक्वल टू 6 दिया था यानी a इक्वल टू 3, यानी e इक्वल टू 3 बाय a, ये वैल्यू आपने 2a बाय e में रख के e निकाला, b स्क्वायर से b निकाला, a और b जब आपके पास है तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ध्यान करिए मैंने आपको बोला ये इक्वेशन के साथ हमेशा याद रखिए इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इसका मतलब आपको ये अल्फा नहीं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ए कुछ ऐसा है 1 बाय √3
वन 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ऑप्शन कुछ इस ढंग के ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर फोर, इसका मतलब यहां जनरलाइज होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूं कि ए स्क्वायर क्या होगा, तो वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री, इसका मतलब ए स्क्वायर होगा वन 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता था, क्वेश्चन टफ नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था, तो बाद में करते तो अच्छा रहता, और बाहर वन बाय थ्री आएगा। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए इस रो का इसके साथ किया तो थ्री, देन इस रो का इसके साथ किया तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जीरो, फिर इस रो का इसके साथ किया फिर जीरो, देन अब सेकेंड रो पे आए इसके साथ किया वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट लिखे जीरो क्योंकि आपको पता है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और ये क्वेश्चन पे मैंने बहुत आपको बोला था कि ये बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है जिसको हमेशा यूज करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं इसी का, इसके साथ जब करेंगे तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा फोर मतलब ओमेगा, देन अगेन जीरो। अब इसके साथ किया तो देखिए वन ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब वन वन वन, यहां पर थ्री मिलेगा राइट। अब थर्ड पे आए इसका इसके साथ किया तो देखिए क्या होगा, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जीरो, इसके साथ किया वन ओमेगा क्यूब वन, देखिए वन फिर ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब यानी थ्री, और फिर इसके साथ करिए वन ओमेगा फोर ओमेगा स्क्वायर ये जीरो। अच्छा बाहर वन बाय थ्री था, थ्री कॉमन निकल के कैंसिल, तो एक तरह से वन जीरो 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 वन जीरो वन जीरो ये ओमेगा ए स्क्वायर आया। अब ए पावर 31 दिया है, यहां पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते जब तक यूनिट मैट्रिक्स ना हो, तो ए स्क्वायर अगर हमारे पास है तो एक काम और करते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके भी देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन रफ कर रहा हूं केवल, ए 31 पूछा है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एंड आप लिखेंगे कितना, वन जीरो 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 वन वन जीरो सॉरी जीरो वन जीरो इंटू वन जीरो 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 वन वन सॉरी जीरो वन जीरो मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आएगा, जरा देखते हैं। पहले तो इसके साथ इसका किया तो वन, इसका इसके साथ किया जीरो, इसका इसके साथ किया जीरो, फिर सेकेंड रो ली फर्स्ट कॉलम जीरो, फिर इसका इसके साथ किया जीरो जीरो वन यानी यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, इसके साथ किया तो जीरो, देखिए इसके साथ करिए जीरो, इसके साथ करिए जीरो, इसके साथ करेंगे तो वन यानी आई। इसका मतलब ए पावर फोर पर अगर आई मिल रहा है तो फोर के हर मल्टीपल पे, 31 के पहले लास्ट मल्टीपल होगा 28, इस पर भी आई मिलेगा, तो सिंपल ए पावर 31 को ए पावर 28 इंटू ए क्यूब लिख सकते थे, 28 तक 1 तो बचा क्या ए क्यूब, तो ए क्यूब इज अ राइट आंसर। यानी क्वेश्चंस टेक्निक्स अगर सही हैं, मैंने आपको हमेशा बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत क्लियर होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अगर अच्छे होंगे तो पेपर में स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया का क्वेश्चन है, टाइम ले सकता थोड़ा। द एरिया दैट इज इंक्लूज इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, विच इज नॉट कॉमन एरिया इंक्लोज बाय वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है, नॉट वर्ड यूज कर लिया, अब तक हम कॉमन एरिया निकालते थे, अब हमें वो कॉमन एरिया को हटाना है। देखिए ये स्टैंडर्ड सर्कल है सिंपल, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला हो गया और वाई इक्वल टू एक्स ये लाइन हो गई राइट। अब ये y इक्वल टू एक्स क्यों लिए, लाइन कट क्यों करिए वो भी आप समझिए। ये हुआ, ये पूरा जो होगा इस कॉमन एरिया को हमें इनक्लोज को हटाना है, क्या करेंगे बताता हूं पहले। यस तो सबसे पहले अगर हम बात समझे, देखिए इसको अगर मैं यहां पर रख दूं y की जगह x, तो x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो x कॉमन तो x माइनस वन, तो ये पॉइंट जीरो जीरो रहा होगा, ये जीरो सॉरी वन कॉमन जीरो, इस एरिया को जो कॉमन है इनसे एनक्लोज हो रहा था वो हटाना है। अब ये सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर है रूट टू तो टू पाई, इसमें से माइनस कर देंगे तो पहले हम कॉमन एरिया निकाल तो लें, तो जीरो टू वन, जीरो टू वन देखिए इस वाले एरिया में से
अब पैराबोला में x कितना है, y कितना है, रूट x dx माइनस 0 टू 1 x dx, तो क्या हो जाएगा, ये होगा x की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 माइनस, एक बार में भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बाय 2 0 टू 1, 1 ही रखना है, तो 1 रखा तो 2 बाय 3 माइनस 1 बाय 2 यानी 4 माइनस 3 1 बाय 6, तो सिंपल आंसर होगा 2 पाई माइनस 1 बाय 6 या 12 पाई माइनस 1 अपॉन 6, क्योंकि इस पूरे 2 पाई में वो जो कॉमन पार्ट था उसको आपने माइनस कर दिया। तो अभी मैं आपसे बोलूं कि कॉमन पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, तो कॉमन पार्ट का एरिया निकालना है तो उस कॉमन पार्ट के एरिया में से ये जो है इसको लाइन के एरिया को हमने माइनस कर दिया और उसको पूरे सर्कल से हमने माइनस कर दिया, राइट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, थ्री पावर लिमिट x टेंड्स टू 2 3 पावर x प्लस 3 पावर x माइनस 1 माइनस 12 अपॉन 3 पावर माइनस x बाय 2 माइनस 3 पावर 1 माइनस x, पहले अगर 2 रखें तो क्या होगा 9 प्लस 3 माइनस 12, देखिए 0 बाय 0 की फॉर्म में यहां पे रखा 2 तो 3 की पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन 3, 3 की पावर माइनस 1 1 अपॉन 3 कैंसिल, क्यों ना इसको एल हॉस्पिटल से कर दिया जाए। अच्छा एल हॉस्पिटल से जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर एक्स होता है ए पावर एक्स लॉग ए, लॉग 3 लॉग 3 लॉग 3 सब में आएगा उसको छोड़ दीजिए, तो आप यहां लिखेंगे 3 पावर एक्स प्लस लॉग ए लॉग 3 3 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3 पावर एक्स बाय 2 इंटू माइनस एक्स बाय 2 इंटू माइनस 1 बाय 2, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 पावर 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 को पहले ही प्लस 1 लिख दिया। अब x के प्लेस पे 2 रख दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 3 प्लस 3 अपॉन 3 की पावर माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 3 की पावर अगेन माइनस 1, राइट, अब क्या हुआ, ये हो गया 12 अपॉन 1 बाय 3 बाहर ले लीजिए तो माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 36 अपॉन 1 बाय 2 यानी 72, दिस इज द राइट आंसर। नॉर्मली एल हॉस्पिटल पे बेस क्वेश्चन कम आते हैं पर इस बार आप इस फॉर्मूले से भी देखिए कर पाए, सिंपली डिफरेंशिएट करा और कम से कम स्टेप में सॉल्व करना है, जो टेक्निक सीखी उनको यूज करना चाहिए एग्जाम में जब भी आप अटेम्प्ट बढ़ा सकते हैं। नोट करिए क्वेश्चन को।